हाथ की रेखाओं को देखकर व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। हस्तरेखा शास्त्र में कुछ रेखाओं का उल्लेख मिलता है। जिस व्यक्ति के हाथ में ये रेखा होती है वह व्यक्ति सच्चा साथी होता है। इसीलिए अगर आप किसी भी व्यक्ति से शादी कर रहे हैं तो उसके हाथ में ये रेखा अवश्य देखे। समझे कि जब आपके पास ये रेखाएं हो तो आपने सही व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुना है। तो आइए जानते हैं कौन सी है वे रेखाएं। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। यदि पुरुष के हाथ में ये रेखा पत्नी द्वारा शासित होती है, यदि किसी पुरुष के बाएं हाथ में विवाह की दो रेखाएं और दाहिने हाथ में एक विवाह रेखा हो तो समझ ले कि ये व्यक्ति सही जीवन साथी साबित होगा। इतना ही नहीं, जिन लोगों के बाएं हाथ में दो विवाह रेखाएं होती है वे अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपनी पत्नियों का समर्थन करते हैं और उन्हें अपना करियर बनाने में मदद भी करते हैं। इसलिए अगर इस तरह की रेखा आपके प्रेमी के हाथ में है तो आपको उससे शादी जरूर करनी चाहिए। त्रिशूल का निशान। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की हथेली में विवाह रेखा के अंत में त्रिशूल जैसा निशान हो तो वह बहुत अच्छा पति बनता है। ऐसा जातक अपनी पत्नी की हर इच्छा को पूरी करता है। दोनों के बीच आपसी समझ बहुत अच्छी होती है और हर काम में पति का सहयोग मिलता है। जिन महिलाओं के पति के हाथ में ये निशान होता है वे अपने जीवन में काफी तरक्की करती हैं और हर सपने को पूरा करती हैं। दिमाग की सीधी रेखा। जो पुरुष मस्तिष्क रेखा की तरह मासूम या सीधे होते हैं वे चावल के दिल वाले नहीं होते। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी से कभी झूठ नहीं बोलता और हमेशा उसका साथ देता है। इसके अलावा वह काफी तरक्की भी करते हैं और अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखते हैं। लंबी विवाह रेखा। यदि हाथ में विवाह रेखा लंबी हो तो ये बहुत शुभ मानी जाती है। ऐसे लोग अपने जीवन साथी का साथ कभी नहीं छोड़ते और अपने पार्टनर की जिंदगी में सुख समृद्धि लेकर आते हैं। कमल का निशान। हथेली पर कमल का निशान होना शुभ माना जाता है। इस चिन्ह का मतलब है, ऐसा माना जाता है कि आप पर धन की देवी की कृपा है और ऐसे जातकों का पार्टनर उनके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होता है। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि हिंदू धर्म में मंगलसूत्र में कौन से रंग के मोती का इस्तेमाल होता है। आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।